हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। अभी आपने देखा एसबीआई पीओ का जो मेंस एग्जाम है, इसके एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं। जो भी आपके पास टाइम बचा हुआ है, इसमें करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको एक चीज यहां पर क्लियर बताऊंगा। एसबीआई जो है वो बहुत ही डेप्थ में चीजें पूछता है, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन फ्लैट फॉर्मेट में नहीं पूछा जाएगा। आप अगर एक कोई इवेंट हुई है अगर वहां पर, अगर आप उस इवेंट की पूरी इन्फॉर्मेशन रखेंगे तभी आप एसबीआई पीओ में जो जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है उसको आप डिकोड यहां पर कर पाएंगे। मैं ये चीज आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि कैप्सूल के ऊपर डिपेंड करते हैं, या फिर कोई पतली सी 30 पेजेस की बुकलेट मिल जाए जिसमें एसबीआई पीओ का पूरा जनरल अवेयरनेस कवर हो जाए, उन चीजों के ऊपर ज्यादा डिपेंड रहते हैं। ये गलती अगर आप करोगे तो आपको एक भी क्वेश्चन देखने को ऐसा मिलेगा कि सब कुछ बाउंस हो रहा हो। आप क्या करें, गवर्नमेंट स्कीम्स इस पर अपना अच्छा फोकस रखें, प्लस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब कब न्यूज में रहा है इस पर आप अच्छा अपना फोकस रखें। इन न्यूजेस को बहुत ही डेप्थ में पढ़ना है। ये सारी न्यूज कहां मिलेंगे? वैसे हमने करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन में लास्ट 6 मंथ का जो जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स है वो हमने डिटेल्ड फॉर्मेट में अपलोड कर रखा है। मैं आपको ओनली एमसीक्यू कभी नहीं कराता हूं। मैं आपको पहले अगर एक एमसीक्यू पढ़ाऊंगा ना तो उस एमसीक्यू की 1 से 1.5 पेज की डिटेल होगी, और उन सारी डिटेल के बीच में बहुत सारे बुलेट पॉइंट्स, अंडरलाइन और बोल्ड इटैलिक में इंफॉर्मेशन को हमने वहां पर सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज कर रखा है। अगर आप इन चीजों को अपने एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से एक बार अगर रीड आउट करके देखोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। सारी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, हर एक चीज आपको बहुत ही सिस्टमेटिक फॉर्मेट में मिल जाएगी करंट अफेयर्स फंडा के ऐप में। और ये जो हमारा ऐप में पूरा करंट अफेयर्स का फॉर्मेट है, ये आप सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट कर सकते हैं, और एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से आप इनको क्विक रिवीजन कर सकते हैं। अब देखो, हमने आपके लिए जो चीजें ऑर्गेनाइज करा रखी हैं उसमें 3 चीजें हैं। पहली चीज जो हमारा वीकली करंट अफेयर्स है वो है, हर एक मंथ में 4 फाइल्स आपको वीक की देखने को मिलेंगी। और इसके अलावा दूसरी चीज क्या रखा है कि जो डिटेल में 500 एमसीक्यूज, एक मंथ के 500 एमसीक्यूज है, और अगर आप एक एमसीक्यू की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखोगे तो उस एक्सप्लेनेशन को पढ़ने के बाद लगभग आप 5 से 7 क्वेश्चन आप और टच कर सकते हो, ठीक है। तो ओवरऑल एवरेज अगर मैं बात करूं तो लगभग 1000-1500 के आसपास क्वेश्चन एक एक मंथ में सब कुछ पढ़ने के बाद आप जो है इनको डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। और एग्जामिनेशंस में सीधी सी बात यही है कि पेपर काफी डायनेमिक आता है। आप अगर बहुत लिमिटेड पढ़ोगे तो पेपर में सारी चीजें आपकी कवर नहीं हो पाएंगे। सॉइल से यू हैव टू फॉलो द करंट अफेयर्स फंडा मटेरियल विच इज ऑन आवर एप्लीकेशन। तो आप जाएं फटाफट ऐप को डाउनलोड करें और लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स आपको यहां पर मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट गाइस। वंस अगेन हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।